Yes, all you talented people in the house. Ow! Yes, balle balle, shava shava. एक बार फिर से आ गए राजू कावा कावा. Hello, hello, hello. Check, check. All you talented people in the house. Yes, स्वागत है. अरे साई गणेश मेरे भाई, मेरी धर्मपत्नी डिंपल जी, हाँ मेरी सुपुत्री, सब देख रहे हैं. टोडो डॉट रोको शोटो 15. All you talented people in the house, आप सभी का स्वागत है. मैं माफी चाहता हूं तहे दिल से वक्त बदलने के लिए. क्या करें, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो कर लेते हैं, है ना. लेकिन आते जरूर हैं हम. तो फैंटम किशन, आप सभी का हाय नानू बच्चू जी, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 23 में. फुल पावर. अभी ना मैं कैसे गाने गा रहा था पता, हम तुम्हें इतना याद करेंगे के लोग हमें, गलत हो गया. लोचा वन मोर, एक और टेक लेते हैं. हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे के लोग हमें याद करेंगे. एकदम फुल पावर मिथुन दागर गाना. ऐसे गाने दिमाग में आ जा रहे, पता नहीं. और भी कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जैसे मेरे हाथ में ज्यादा तेरा हाथ रहे, मेरे हाथ में ज्यादा तेरा हाथ रहे, मेरे साथ तू हमेशा मेरे साथ रहे. आप बोलेंगे क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई. All you talented people in the house, जो भी आए हैं तहे दिल से उनका स्वागत है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 23 में. भाई लोग मैं बता दूं, आप लोग ने जिन्होंने मुझे स्टोरी में टैग किया था उन सब के स्टोरीज को मैं कल डालने वाला हूं अपने स्टोरीज में. हाँ, तो ये एक धमाकेदार मौका होगा सबके लिए देखने का. और उनमें से जो बेहतर हैं, बेस्ट हैं, अच्छे हैं, जिनके साथ मैं वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी करूंगा, उनको मैं खुद डीएम करूंगा और उनके साथ हो सकता है वीकडेज में करें या वीकेंड में करें. ओके, तो तैयार रहिएगा, प्रैक्टिस जारी रखना. ओके, लव यू गाइस. आज हमारे साथ कलाकार कौन है, आज एपिसोड नंबर 23rd, सुपर डुपर, मतलब उनकी आवाज से मैं बहुत प्यार करता हूं. मैं ऐसा प्यार करता हूं मतलब कि एफर्टलेस आवाज है, कोई मेहनत नहीं उनकी आवाज में. ये मतलब कह सकते हैं मैजिक है वो कि मेरे बड़े भैया मुकेश कावा, वो भी उनकी आवाज के कायल है, प्यार करते हैं कि और एक ना वरदान है इनको, ऊपर वाले ने दिया है. इन्होंने वरदान ये दिया है कि बेटा वत्स, तू जब बोलना शुरू करेगा ना, तू जब पढ़ना शुरू करेगा ना वत्स, तभी कहीं भी फंबल नहीं होगा, तू लगातार बोलते ही जाएगा. ये फुल पावर आशीर्वाद है ऊपर वाले का. सप्तर्षि घोष, बहुत ही जबरदस्त एक्टर, जबरदस्त वॉइस एक्टर, और क्या क्या कहूं उनके बारे में. अभी तो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी बन गए हैं और काफी काफी गुणी इंसान है, बहुत ही जानकार इंसान है. तो इनके साथ जल्द ही हम जुड़ेंगे. और ये है एवेंजर्स के आपके लोकी, ये है 15 साल से चलती आ रही सुपर हिट सीरीज आइस एज, टॉय स्टोरी के क्या नाम, बज, और आइस एज के डियागो, और भी बहुत सारी चैनल वॉइस रह चुके हैं सोनी से लेकर काफी. तो वाकई इनकी आवाज ना एफर्टलेस जादू है. तो जल्द से जल्द इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं हम. उम्मीद करता हूं कोई टेक्निकल लोचा ना हो. केम छो सर, हैप्पी नवरात्रि. आपने सर्व ने आज नौम छे नवमीनी शुभेच्छा. एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं उनसे जुड़ने की, कि मैं कनेक्ट हो पाता हूं उनसे या नहीं. तनिक एक मिनट दीजिएगा हमें, ठीक है. ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी आईसी हो जाती हैं. मेरे हाथ में ज्यादा, और ये हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की. ओके गाइस,
तो आपके एवेंजर्स सीरीज के सुपर सुपर वॉइस लोकी, ओके, हेलो हेलो वॉइस अंडरस्कोर ऑफ डोरेमोन, हेलो हेलो, आप सभी का तहे दिल से अल्टीमेट हकाई मेरे भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई। तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, जल्द से जल्द, उम्मीद करता हूं कि जुड़ जाएं। ना गवाते हुए मेरे ख्याल से आप कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग। ऑफिशियल अंडरस्कोर लबी शर्मा मेरे भाई, कैसे हो? ग्लैमर के, यस, क्या बात, क्या बात सर जी, थैंक यू। स्वागत है सर आपका। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। ओके ओके, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े मंच पर, ऑनलाइन इतने बड़े मंच पर आज मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ कुछ परफॉर्म करने का, थोड़ा वक्त बिताने का, गप्पे हाँकने का। और आज इतना इतना अच्छा दिन है, शुभ दिन है, नवरात्रि तो चल ही रहे हैं, साथ में जी आज महाअष्टमी है। सो इससे बेहतर दिन मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आई डोंट थिंक शायद हो सकता था। और ऊपर से जो आपने तारीफों के चार चांद लगाए हैं, जो पुल लगाए हैं, आई सीरियसली डोंट डिजर्व इट, बट यस, आप लोगों का प्यार मिलता रहा है इतने सालों से, अप्रिसिएशन रहा है, बस कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ा सा कल से बेहतर आज परफॉर्म करूँ। यही मेरी कोशिश है आप सब लोगों को जितना हो सके एंटरटेन करने की, अच्छे से अच्छा। क्या बात है सर, आपकी आवाज, आप बोलते जाए हम सुनते जाए वही फीलिंग आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कोई झूठी तारीफ है या तारीफ के पुल नहीं बांधे, मैंने जो दिल से आया है और जो इसके पहले भी मैं आपको यही चीज बता चुका हूँ, मेरे बड़े भैया मुकेश जी और हम लोग बकायदा ये सेंटेंस बोलते हैं, मुकेश भाई बोलते हैं कि भगवान आशीर्वाद से पम्बल नहीं, मतलब जो भी देख रहे हैं उनको बता दूं किस किस लिहाज से मैं बता रहा हूँ। जैसे सप्तर्षि सर जब कोई डिस्कवरी या कोई ऐसे इंफोटेनमेंट चैनल के होस्ट करते हैं, जब जिसमें होस्ट नरेशन होता है, तब बस साउंड इंजीनियर साहब पंच मार के बैठ जाते हैं इत्मीनान से, मोबाइल पे गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि सप्तर्षि सर जो है वो स्क्रिप्ट है, वो लगातार पेज पे पेज पलटते रहते हैं और बोलते जाते हैं। मजाल है कि कोई वर्ड पे वो फंबल हो, पॉसिबल ही नहीं है, बकायदा बैक टू बैक बोलते ही जाते हैं और अरे एपिसोड वो राजू, वो कमाल राइटर्स का है, वो लिखते इतना अच्छा है कि कहीं पे रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस बेशक बेशक मैं आपका आपका ये बड़प्पन है, तहे दिल से मैं ये इसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ, राइटर्स का भी, सबका, उन्होंने बहुत ही अच्छा, काफी मेहनत करते हैं वो, नो डाउट सर। लेकिन ये आप सर, ये वाकई एक चीज बताऊं, राइटर्स ने तो बहुत अच्छा लिखे हैं, उन्होंने लिखा है, मैं मानता हूं पूरी तरह से, लेकिन सर ये शब्दावली जो है, वर्ड्स के बैंक बैंक, शब्द कोश, वो भी तो होना चाहिए सर, जो आप में वो भरपूर है, आंखों के सामने शब्द आते ही आपकी जबान पे वो ऐसे चिपक जाए जैसे ये शब्द तो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो जाने अनजाने सारे शब्द अंग्रेजी, प्रकार प्रकार के शहर के नाम होते हैं, चित्र विचित्र, मैं तो 4 बार सुनता हूँ उसके बाद बोलता हूँ वहां कसम, ऐसे ही ना सिर्फ शहरों के नाम, इंसानों के नाम भी चित्र विचित्र होते हैं, उसमें भी कोई रशियन एपिसोड आ जाए तो सर मैं तो 2 दिन मतलब उपवास कर लूं, भगवान से प्रार्थना करूं, एक नाम बोल लूं ठीक से, रशियन नाम ऐसे होते हैं, तो वाकई ये इसलिए दिल से इसमें तहे दिल। इसमें इसमें आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल एनेक्डोट, एक छोटा जी सा किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा। एकदम पहले पहल जब शुरुआत में, मतलब कह सकते हैं कि वो एपिसोड डिस्कवरी का, वो एपिसोड एज अ होस्ट मेरी जिंदगी का पहला एपिसोड था। मुझे मौका देने वाले और कोई नहीं, जिन्हें मैं एक्चुअली जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ। देखिए, हर जितने भी सीनियर्स, हमारे जो सीनियर्स रहे हैं, चाहे हरीश भिमानी हो, बड़े ब्रिज जी हो, ब्रिज भूषण हो, फिर जी अपने, और आई एम सॉरी, अमीन साहब हो, तो जी आप नोटिस कीजिएगा, इनका हर एक आर्टिस्ट का एक अपना अंदाज होता था बोलने का। जी सो दैट बिकेम देयर स्कूल ऑफ वॉइसिंग। जैसे करेक्ट दिलीप कुमार स्कूल ऑफ एक्टिंग, जिसमें से अमटीन नंबर्स ऑफ लोग निकले हैं, आज भी निकलते हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, और सदी के महानायक तो उसी स्कूल से निकले हुए हैं। देवानंद स्कूल ऑफ एक्टिंग जो भी है, उनका एक घराना बन जाता है। सो मुझे नर्चर करने वाले, मुझे मौका देने वाले, ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि
बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के, आप सिर्फ एक हद तक जा सकते हैं, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, आप अपने फन में, अपने कलाकारी में उस प्रकाष्ठा को नहीं पा सकते जिसके लिए आप बने हो। तो बिना गुरु ज्ञान अधूरा। तो मुझे मौका देने वाले थे देने वाले हैं रादर बड़े ब्रिज जी, ब्रिजभूषण जी। क्या बात है, उन्होंने कहा कि यार तुम आप कैरेक्टर्स अच्छा कर लेते हैं, इसमें एक बार कोशिश कीजिए। मैंने कहा ठीक है चलिए करते हैं। भाई मेरे, मुझे 1 घंटा लग गया, आज भी मुझे याद है। एक और मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब वीडियो नहीं होता था, हम ट्रैक सुनते थे, इफ यू रिमेम्बर, हम जी ट्रैक सुनते थे, ऑडियो पे हम अपना ऑडियो डब करते थे। जी देयर यूज्ड टू बी नो विजुअल। आज आजकल तो बहुत आसान है, सामने विजुअल चलता रहता है, आप उस हिसाब से मैच कर सकते हो। उस टाइम वो सब नहीं था। मुझे एक ओके घंटा एक पैराग्राफ में लगा था। ओके ओके, और ब्रिज ये कब जी, की बात होगी? सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कब की बात होगी? दिस इज 95 आई गेस। 95, जो भी सुन रहे हैं उनको बता दूं, 95 में मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी, 10th पास हुआ था मैं मुंबई SSC बोर्ड से, तो समझ सकते हैं, बोलिए। तो और मैं ताउम्र आभारी रहूंगा ब्रिज जी का, उन्होंने उस एक पैराग्राफ को, एवरी लाइन उन्होंने बोला, मैंने कॉपी किया, बोला कॉपी किया, फिर जब पूरा पैराग्राफ खत्म हुआ फिर बोले कि हम वापस से रीटेक करेंगे, अब अपने अंदाज में बोलो। जी कहने का तात्पर्य यह था कि ये जो बिना रुके बिना अटके, ये जो आज मैं बोल पाता हूं या जो बोल लेता हूं, उसके पीछे की एक बहुत मतलब कड़ी मेहनत की वाली कहानी है। और ये ऐसे ही नहीं मिला, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये 35-36 लोग जो देख रहे हैं, जिसमें से कई लोग एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं, आप लोग समझ लें, मैं हूं या राजू हैं, जो भी हैं, हम लोग जितने भी वेटरन्स हैं सो कॉल्ड, बहुत मेहनत लगी है। हम उस एरा से हैं जो प्री डिजिटल हुआ करता था। तो जी जी आज अगर हम जिस भी पायदान पे हैं अगर बैठे हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत पसीना निकला है हम लोगों का, बहुत डांट सुनी है हमने, और बहुत अनुशासन के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद हम वहां पे पहुंचे हैं। आप लोग जितने भी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं, जैसा राजू कहते हैं, आप लोगों को सजेस्ट करते रहते हैं, बड़ा लवली टीचर, आप ऑनलाइन उनसे सुझाव लेते रहिए, खुद प्रैक्टिस करते रहिए, और देखिए स्काई विल बी द लिमिट। इसी तुम्हारी इसी बात से मुझे वो सडनली वो किस्सा याद आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं जरूर शेयर करूं कि आज जब मैं 47 मिनट के रन टाइम एपिसोड को मैं 52 या 55 मिनट में खत्म करता हूं, एक दौर वो भी था जब 60 मिनट में मैंने एक पैराग्राफ बोला था। जी, मतलब ये वाकई, ये अनुभव, ये जो सालों की मेहनत है यहाँ ये दिखाई देती है सच। तो रातों रात ये नहीं चमत्कार नहीं है, ये होता। क्राफ्ट है, नहीं होता, ये क्राफ्ट है सर, क्राफ्ट। और क्राफ्ट अपने आप में कोई भी क्राफ्ट हो सर, फिर वो शिल्प कला हो, चित्रकारी हो, कोई भी क्राफ्ट क्राफ्ट है, सालों की मेहनत होती है, रात और दिन का मतलब पसीना होता है। तो बाकायदा सही कहा आपने, और मैं और बाकी जो भी सुन रहे हैं, हर एक शब्द से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठा के हम लोग सीखेंगे सर आपसे। जैसे आपने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, क्या कहा था आपने? बोला था कि मैं आज कल से बेहतर करना चाहता हूं, क्या था हाँ, शुरू कैसे? मैं आज आज कल से थोड़ा बेहतर बेहतर परफॉर्म कर सकूं, थोड़ा बेहतर और बन जी सकूं। जी 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 मतलब जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं, एक एक शब्द को पकड़िए, क्या बात है, क्या बात है, फुल पावर सर, थैंक यू सो मच। मतलब मैंने, मुकेश भाई ने कहा, उसके बाद मैंने आपको काफी गौर किया, और मैंने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपकी स्टाइल या कुछ उठाने की कोशिश की है, मुश्किल से 100 ग्राम आया मुझ में। अरे नहीं, जितने भी देखने वाले हैं मैं सबको बता दूं कि मैं इनका बहुत बड़ा मुरीद हूं। हम लोगों ने देखिए, अब डबिंग में इकट्ठे तो काम होता नहीं है, हर कोई आता है अपना ट्रैक करके निकल जाता है, लेकिन जी हमने जी शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक साथ एक एक ही प्रोजेक्ट्स में काम किया है, इकट्ठे बिल्कुल काम करने का मौका नहीं मिला। आज शायद 25-30 साल बाद जाके पहली बार
हम लोग आमने सामने इस तरह से परफॉर्म करेंगे. और जी ही राजू इज सच अ टैलेंटेड पर्सन. ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट. आई हैव लाइक सो मच रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिम एज अ यंगर ब्रदर, क्योंकि इनके बड़े भाई के साथ मैं काम कर चुका हूँ, बतौर एक्टर काम कर चुका हूँ. और ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं. इनको मतलब छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन हमारी नजरों में इनकी इज्जत यहाँ पे है. सो मतलब मैं आभारी हूँ, इसीलिए मैंने आते ही कहा कि मैं आभारी हूँ कि मुझे इस इतने वरिष्ठ प्लेटफॉर्म पे, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इतने उम्दा प्लेटफॉर्म में आज आपके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला. माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। और आपके आने से ये विशाल हो गया प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा हो गया सर। जैसे एक बात याद आई सर, कोई भी गाना हो उसे हर सिंगर गाते हैं, अच्छा ही गाते हैं, लेकिन उदित उदित सर की आवाज ऐसी है, जब वो गाते हैं ना तो गाना विशाल हो जाता है सर, बड़ा हो जाता है, बिल्कुल रॉयल हो बिल्कुल. जाता हाँ है सर। वैसे ही सर आज एपिसोड वाकई सीरीज 4 चांद लग गए। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि आपके सारे चाहने वाले लोकी के फैंस हैं बहुत सारे, और अलग अलग कैरेक्टर्स के, तो उनको वाकई मजा आएगा आज के एपिसोड में, काफी कुछ देखने को मिलेगा। जो भी सुन रहे हैं, ज्यादा वक्त न गंवाते हुए मैं बता दूं कि आज वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 23 में हमारे साथ हैं सुपर टैलेंटेड वॉइस एक्टर एक्टर सप्तर्षि घोष जी। और आज हम एक छोटा सा हल्का पुल्का, एक ऐसा दो किरदारों के बीच का एक ऐसा कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। इसको सीन नहीं कहूंगा ना कोई कहानी कहूंगा, मैं कुछ है हल्का है फुल्का बस. हाँ जी। और वापस एक बार फिर से कहना चाहूंगा, इसे लिखा है हमारे सुपर टैलेंटेड राइटर अनुराग पराशर ने, तो एक बार तालियां अनुराग जी के लिए। बिल्कुल. चलते फिरते तत्काल तत्काल लिखते हैं सर, वो तत्काल घर से, वाह वो रिक्शा में, घर से, में घर से निकलते हैं, ऑटो में बैठ के जब पहुंचना होता है उससे पहले मेल कर देते हैं मुझे वो सर। वाह वाह. तो वाकई उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच, शुक्रिया है। और अपनी टीम का, जैसे क्रिएटिव डिजाइनर है और जो टेक्निकल असिस्टेंट, सारी चीजें जो करते हैं, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक अकेले काम नहीं चलता सर, साथ में लेके चलना बिल्कुल पड़ता है, मेरी बिल्कुल. कोशिश यही है। इट्स अ टीम वर्क. और इट्स अ ये टीम यस वर्क. यस और कोशिश यही है सर, ये वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी कर रहा हूँ इसीलिए कि सारे इंडस्ट्री के आर्टिस्ट जो कभी कभी भी सामने नहीं आए, जिनकी आवाज लगभग रोज सुनते हैं सुनने वाले, या तो कहीं साउथ टू हिंदी फिल्म में देखते हैं या एनिमेशन में सुनते हैं, तो मेरी कोशिश यही कि हम सब आए साथ में, धमाल मस्ती करें, कुछ सीखे सिखाएं बात करके अलग अलग। और सिर्फ इसी वजह से, आई मीन आउट ऑफ ऑल द अदर रीजंस, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि ये इंडस्ट्री, ये आर्टिस्टों की कौम, खासतौर से वॉइस आर्टिस्टों की कौम, ताउम्र आपके कर्ज में रहेगा कि आपने एक ऐसा स्टेप लिया, ऐसा आपने कदम रखा कि ये जो आवाजें थीं, ये जो आवाजें हैं जिनकी शक्ति लोगों को नहीं मालूम, आज आप उनको सामने ला रहे हैं, उनको दूसरों के साथ सामने मुखातिब कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जिसके लिए जितना कहूं उतना कम है. आपका बहुत बहुत आभार है इसमें. माय प्लेजर सर। मैं 19-20 साल से डबिंग कर रहा हूँ सर, इंडस्ट्री ने मुझे काफी कुछ दिया है, तो मैं किसी ना किसी एंगल से इंडस्ट्री के लिए कुछ कोशिश है कि बिल्कुल इस बिल्कुल. क्राफ्ट को कोने कोने तक फैलाया जाए, है ना, तो बस कोशिश है सर। तो भाई लोग, हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए सर, आपके पास स्क्रिप्ट पहुंच गई है उम्मीद करता हूँ, तो ठीक है, भाई ओके कितने सर। कितने कितने लोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ के मजा भी आ रहा है. तो चलिए इन इनके जी मजे को और 4 चांद लगाते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये रंगारंग मनोरंजन वाला सरस कार्यक्रम. फुल पावर सर, क्या बात क्या बात। तो ठीक है सर, शुरू करते हैं। सबके अपने अपने घर में लाइट्स हैं, मोबाइल के कैमरास हैं, और एक्शन। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो गए. क्या बात है, थैंक यू सर। वैसे बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आपकी सैलरी पहले साल होगी फक्त 6 लाख रुपए. वाह सर, वाह, क्या 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 बात है सर। और फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगले साल में ये बढ़कर हो जाएगा फकत 12 लाख रुपए, यानी डबल बोनस. मैं उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, क्या बात बिल्कुल है।
दिल से एकदम गुर्दे से फेफड़े से मैं कह रहा हूँ, आप 1000 साल जिए क्या, मैं चलता हूँ सर, मैं चलता हूँ। अमा बाबा रुको 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 मिया, कहाँ जा रहे हो भाई? सर है अगले साल आता हूं ना। है? क्यों क्या? क्यों क्या सर, आपके सवाल में तो आपके जवाब है सर, आप बोले ना अगले साल 12 लाख। अरे पगले, 1 साल यहां जॉब करने के बाद अभी कल से आना। ओके ओके, आप तो वाकई में बॉस निकले। थैंक यू सर, और हाँ, थैंक यू। अभी पहले 6 महीने में सैलरी होगी फकत 6,000 रुपए। एसिडिटी हो गई सर। ओके ठीक है ठीक है। कट्टू सीधा 22वां दिन ऑफिस में। सर 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 सॉरी, नॉक किए बिना आगे क्या कर रहे थे सर आप? सर ये फाइल चेक कर लीजिए सर, अपने हाथों से बनाइए, एकदम करो ताजा, चेक कीजिए सर ये। अरे वाह वाह वाह, लाओ दो 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 दो। इस्तेमाल के सर, आ गर्मा गर्म गर्मा गर्म। अरे तुम तो बड़े मजाक करते हो। क्या बात है क्या बात है। काम तो बड़ा गजब का किया तुमने यार करण। आई थैंक यू सर, आप ही असली जौहरी हैं सर, वरना इस करण के जौहर को कौन समझता है। आई नो हिंदी में मतलब मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा करण, आज एक काम करना, आज रात तुम लेट काम करना, मतलब तुम्हें लेट काम करना पड़ेगा। रात को लेटना पड़ेगा सर, ऐसे भी मैं घर पे लेटता हूँ तो नहीं, लेट काम करो, लेट काम करना पड़ेगा ऑफिस में। अच्छा, सर हाँ, ऐसा मत कीजिए ना सर मेरे साथ प्लीज। क्यों नहीं करूं बताओ। सर ऐसा मत कीजिए ना सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए सर, आप भूल गए सर। क्या सर, आप भूल गए, आपने कहा था 6 लाख दे रहे हैं कि दे रहे हैं, और दे रहे हैं कितना, 6,000। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा ना सर, आप क्या इतना बड़ा पहाड़ तोड़ के मेरे सिर पे डाल रहे हैं। देखिए सर, आपको पता है सिर्फ 6,000 में घर थोड़ी चलता है, इसकी वजह से मुझे ऑटो चलाना पड़ता है स्टेशन पे, शेरे ऑटो। नहीं बोरेली स्टेशन, बोले बोरेली स्टेशन 10 रुपए स्टेशन वाले, 10 रुपए बस, स्टेशन। बस बस, अब रुलाएगा क्या पगले। एकदम रियलिटी शो की तरह तू भी खरीब निकला रे बेटा, तू भी खरीब निकला। चल काम कर, सुनना एक काम कर, रात को अपने ऑटो में अपनी पूरी फैमिली को लेके मेरे डोसा वाले स्टॉल पे आ जाना, ठेले पे है। मतलब आपका भी साइड वाला धंधा डोसा वसा इडली। ठीक है, गुड नाइट, आप अपने घर पे ले तो मैं अपने घर पे ले ना। मैं जाके डोसा बनाता हूँ। कट्टू ऑफिस में 122वां दिन, 122वां दिन। गुड मॉर्निंग सर। अरे करण, गुड मॉर्निंग, अब बोलो क्या बात है सर। 2 महीने से पगार नहीं मिल रही सर, बहुत तकलीफ है सर। कब आएगी सर पगार, कब आएगी? अरे यार करण, तुम भी ना देखो, तुम यहाँ रोज ऑफिस आते हो, काम करते हो, कटिंग चाय भी पीते हो फ्री की, तो पगार भी आ जाएगी, डोंट वरी। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, जो रिपोर्ट मैंने बनाने को दी थी वो कहाँ है, वो लाए हो? ये रही सर। दो, दो। इस, अरे क्या ये तो खाली है, खाली है। हाँ सर, बात ये है कि मैं यहां आता हूं, मैं काम भी करता हूं, हाँ मैं चाय भी पीता हूं, मैं फ्री की, हाँ फ्री की, रिपोर्ट भी मेरी पगार की तरह ही आएगी ना सर,
खाली अरे बेटा करण, तुम तो यार बुरा मान गए। अरे बुरा नहीं मानते, मैं तो यूं ही कह रहा था। अच्छा लाओ लाओ, अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ। हैं, दो हाँ दो हाँ दो। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सुनो, हाँ पैसे तो ट्रांसफर हो जाएंगे। ओ वाह, हाँ, लेकिन तुम्हारी सेल्स रिपोर्ट मैं देख रहा था, हाँ हाँ बहुत ही बेकार है, वेरी पुअर, एकदम मतलब वाहियात। सॉरी सर, सॉरी। ठीक है ठीक है, चलो तुम्हारा एक टेस्ट लेते हैं। और सुनो, अगर हाँ पास हो गए तो सैलरी भी हाँ मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है सर। ओके सर, ओके। हाँ ठीक है, तो ये लो, ये पेन बेच के दिखाओ। बेचो बेचो बेचो। ओके सर, ये हाँ तो सर, आपने कहावत तो सुनी होगी, कलम कौन सी? की ताकत तलवार से ज्यादा होती है, तो ये है वो ताकतवर कलम। डंडा वाह वाह वाह, एंड थैंक यू सर, बिक गई। मतलब कल को कोई तुमसे लड़ाई करने आए, अपने हाथ में तलवार लेकर तुम इस कलम से लड़ोगे? हैं, डैम फूल, इडियट, नहीं सवाल सर, खत्म, सवाल खत्म, और सॉरी। तुम्हारा चांस भी खत्म। अब अगले महीने का वेट करो, तब तक आएगी पगार, और तब तक तुमचा हार्दिक आभार। गेट आउट। सर खाएंगे आम का अचार। व्हाट? ये सीरियस सर, सर मेरी माँ के हाथ का आम का अचार आम लोगों में काफी आम है। आम पार्टी का ये जो चुनाव चिन्ह है आम है, वो भी हमारे आचार का आम, जो आम लोगों में काफी आम है सर, तो आप लेंगे क्या लेंगे? आम का आचार सर? आचार तो नहीं लूंगा भाई, पर एक चीज जरूर लूंगा, क्या सर? तुम्हारी नौकरी। यू आर फायर्ड। फिर से एसिडिटी सर। आह सर, ऐसा मत कीजिए सर। ये तुमको एसिडिटी बड़ी होती है? हाँ सर, वो जोर से होती है सर, ऐसा मत कीजिए सर। फायर वायर सर, मुझे फायर से बहुत डर लगता है सर। चाहे तो सर ऐसे बोलो कि यू आर वाटर, तो वाटर चलेगा सर, वाटर ठंडा होता है गेट ना सर। आउट, गेट आउट। जाता हूं सर, जाता हूं, लेकिन सर आप ना बड़े वो है, क्या है? कमीने आप सर, कमीने। बेटा सुनो, अब तुमको पते की बात बताता हूं मैं। मैं हूं कमीनों का देवता, शरारतों का मसीहा, मैं हूं लोकेश्वर, और इस कमीनी दुनिया में लोग मुझे लोकी कहते हैं। लौकी लौकी की सब्जी खाएंगे क्या सर? के सिर्फ कोफ्ते खाता है ये लौकी। और हाँ, तुमने जो मेरी बेइज्जती की है, अब तुम जाओगे बहुत दूर, बहुत दूर। क्या कहाँ, किधर सर, कहाँ कहाँ दूर, अनंत कितना? से भी आगे। पहुंच गया सर, दिखा। क्या बात सर, मजा आया। ओ, मजा आ गया। यस। क्या बात सर, मतलब मैंने सोचा नहीं था। आप जो भी देख रहे हैं उन सबको बता दूं, यहाँ किसी प्रकार का कोई हम लोग ने रिहर्सल नहीं किया था, मुझे नहीं पता था इतना मस्त ये जोन में पहुंच जाएगा, हम इतना फनी कर देंगे, और सर ने जो आवाज, जो कैरेक्टर पकड़ा, क्या बात, क्या बात सर, फुल पावर। थैंक यू लव सो मच लवली, मुझे बहुत अच्छा मौका लगा। देने के लिए आपके साथ परफॉर्म करने का सर। ऐसे रूबरू रेडियो ड्रामा बहुत कम होते हैं, ना के बराबर है बिल्कुल आजकल, बिल्कुल, और बकायदा ये जो मौका मिला है आपके साथ, ये जो सीन, क्या बात, क्या बात सर, अरे अलग ही भाई जोन भाई, थैंक यू तुम्हारा ये मौका मुझे देने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म कर सकूं। में।
अरे सर सर, आप ये बार बार कह रहे हैं, इससे वाकई मुझे अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन क्योंकि आप सर, हैं तारीफ के हकदार हैं भाई, बिकॉज यू आर सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अनुराग यस पाराशर का यस सर, अनुराग, वेरी उनको वेल रिटन, वेरी वेल रिटन अनुराग। यस, और उनको आज सुबह ही बताया मैंने, क्योंकि अच्छा मेरे जहन में ऐसा था सर, आमतौर पे मैं एक दिन पहले डाल देता हूँ पोस्ट इंस्टा पर, मेरे जहन में ऐसे था कि शुक्रवार है, शुक्रवार अच्छा एक दिन आगे तो कुछ तो कुछ ही हो गया, तो मुझे डिम्पल बात मेरी धनी पत्नी जी, उन्होंने याद दिलाया, राजेश आज शनिवार छे, तो है मैं बोला कि ओके, अरे कल तो ये है, और फिर कट्टू कट सब हो गया। तो क्या बात सर, और सर जैसे मैंने आपको बताया था, आप अपने अनुभव के, जो आपका जो पूरा समंदर है अनुभव का सर, उसके जरिए आप कुछ कहना चाहेंगे, जो भी एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, जो भी इस इनमें से काफी वॉइस एक्टर्स में काफी सीख रहे हैं, काफी पैशन रखते हैं सर, कि वॉइस एक्टिंग, ये जो ड्रामा है एक्टिंग, आवाज में एक्टिंग, या एक्टिंग आवाज के साथ प्योरली एक्टिंग, वो क्यों जरूरी है? जो लिपसिंग करना वो सब बात की बात है, लेकिन ये क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत क्यों है, क्यों ये इसमें आप अच्छे से तैयार हो? देखो, इसमें मैं जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स हैं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं अभी, उन सबको सबसे पहले तो मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ कि भाई, हर एक की आवाज अच्छी होती है। ऊपर वाले ने हर एक को मुख्तलिफ आवाज दी है, हर एक की अपनी विशेषताएं हैं, तो हर एक की आवाज अच्छी होती है। जरूरी नहीं कि हर आदमी अमिताभ बच्चन हो, हर औरत लता मंगेशकर हो, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। और सोचो, मेरा बस एक ही उदाहरण मैं सोच सकता हूँ, एक ही मिसाल सोच सकता हूँ कि अगर इतने बड़े विशाल बाग में चारों तरफ अगर सिर्फ लाल गुलाब होते तो क्या होता, कहाँ जाती सुंदरता। तो ईश्वर ने अगर कुछ बनाया है, आपको एक एक आवाज दी है, तो वो आवाज बहुत अच्छी है, उस आवाज को लेके मेहनत करो। अनुकरण मत करो, अनुसरण करो, अपना खुद, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाओ, खुद की एक पहचान बनाओ। बहुत मेहनत लगती है इसमें, और बिना मेहनत के तो मतलब कुछ भी नहीं मिलता। और जैसे एक बार शायद राजू तुमने ही बताया था कि अखबार पढ़ो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, रीजनल हो, वर्नैकुलर हो, जो भी हो, अखबार पढ़ो और अपने अपने शब्दकोश को, अपने वोकैबुलरी को बढ़ाओ, लैंग्वेज को समझो, और अच्छे से हर एक शब्द का उच्चारण, उसका तलफ्फुज जो है सही हो, उस बारे में आप सुनो, आप जानो। पहले तो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, तो बहुतों के घर होता था, नहीं होता था। आजकल तो इतना आसान है, मोबाइल है, मोबाइल पे आप आवाज रिकॉर्ड करो, फिर से सुनो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर से सुनो, आपको समझ में आएगा आपने कहाँ कहाँ खामियां की हैं, फिर उसको आप सुधार सकते हैं। अभी तो कितना इंस्टेंट हो गया, पहले तो ऐसा नहीं होता था। और सो डू नॉट हैव दिस इंप्रेशन इन माइंड माई डियर फ्रेंड्स कि अगर मैं लड़का हूं तो मेरी आवाज बेसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक की आवाज अच्छी है। और मैं लड़की हूं तो आई शुड साउंड लाइक आशा भोसले और लता मंगेशकर, वो अपनी जगह पे वो सही हैं, अच्छे हैं, हर कोई वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की आवाज एक नहीं होती। अपनी आवाज से आप प्यार करो, आप अपने आवाज को नर्चर करो। अगर आप सिंगर हो तो रियाज करो, रियाज से वैसे भी काफी हद तक वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं, उनकी नर्चरिंग होती है। और चाहे आप वॉइस एक्टर हो, चाहे आप स्टेज या स्क्रीन एक्टर हो, आपको कैसा लगेगा अगर आपके सामने एक आर्टिस्ट खड़ा हो जाए, चाहे वो स्टेज पे हो या स्क्रीन पे हो, और फ्लैट डायलॉग बोल के जाए, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन डायलॉग फ्लैट बोलता है। 2 मिनट बाद आप जी बोलेंगे चलो भैया चैनल चेंज करो, या चलो इस थिएटर से निकलो, पिक्चर नहीं देखें, क्या बकवास काम किया इसने। जी सो वेदर इट इज स्क्रीन और इट्स इन फ्रंट ऑफ द माइक, वॉइस एक्टिंग प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये सच ना होता तो हिंदी फिल्मों में जब भी कोई नया स्टार लॉन्च होता है, स्टार सन हो या नॉर्मल स्टार हो, या जब भी कोई नया लड़का या लड़की लॉन्च होती है होते हैं, उनकी आवाज डायरेक्टर्स डब करा देते हैं। क्यों कराते हैं? बिकॉज शायद उस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए
शायद वो उस हिसाब से मॉड्यूलेट नहीं कर पाए अपनी आवाज को, जी, और फिर हम जैसे लोग ही जाके उनके काम को यहां से और ऊपर लेके आते हैं अपनी आवाज की बदौलत, अपने परफॉर्मेंस की बदौलत। स्टेज में एक अलग किस्म की थ्रो होती है, आप स्टेज से हो आप तो जानती हो, लेकिन वो थ्रो, उस थ्रो नहीं को हम माइक के सामने नहीं रख सकते, रख सकते। कंडेंसर फट जाएगा, माइक खराब हो जाएगी, फिर स्टूडियो वाला बोलेगा 3 लाख रुपए तुम्हारे पेमेंट से काटूंगा, 3 लाख तो हमें मिलते भी नहीं है बाय द वे। सो जोक्स अपार्ट, तो हर एक मीडियम का एक अलग अलग डिसिप्लिन होती है, और ये तभी होगा जब आप काम करोगे, और काम कैसे मिलेगा, काम तभी मिलेगा जब आप अपनी इस कला को और तराशोगे और पॉलिश करोगे, इसे एकदम छुरी की तरह, इसकी धार ऐसी हो कि मतलब सिल्क पे भी पड़े तो वो कट के निकल जाए, और ये बिना मेहनत के होगा नहीं। सो आप प्रैक्टिस करो, दिल छोटा मत करो। हम आज भी ऑडिशंस देते हैं, कहीं 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 सिलेक्ट होते हैं, कहीं कहीं नहीं सिलेक्ट होते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर आर्टिस्ट के जीवन में होता है। सो जस्ट बिकॉज मैं चार वॉइस ऑडिशंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, चार अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चले गए, अब क्या करूं मैं प्रैक्टिस करके, या मेरी आवाज ही अच्छी नहीं है, ये सब सोचने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, और सबकी अपनी अपनी खुद की पहचान है। सो जी। मेरा तो यही कहना रहेगा टू ऑल द एस्पायरिंग आर्टिस्ट कि आप इसे फॉलो करें और हर दिन कोशिश करें कि कल से बेहतर आप परफॉर्म कर सकें। सो ये जज्बा जब तक नहीं होगा तब तक तो मुश्किल है, थोड़ा हो जाएगा पर मुश्किल है। यस यस, सही कहा, एक एक शब्द पूरी तरह से मैं सहमत हूँ सर। तो एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फोर पावर सर सप्तर्षि घोष हमारे साथ आज परफॉर्म कर कर इस एपिसोड को चार चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच सर, और बस आप ऐसे ही, लव यू सर, लव यू सो मच, आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए और खुश रहें, स्वस्थ रहें सर, बस आपके चाहने वाले मैं यही मांगता हूँ। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, नवरात्रि की बधाइयाँ, अष्टमी की शुभेच्छा, और सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कि आज के जीवन काल में सबसे जरूरी है, स्वस्थ रहना। सो बी सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, अभी भी वैक्सीन नहीं निकला है तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। जानता हूं बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है, जान है तो जहान है, और जान है तो हम और परफॉर्म कर सकते हैं आगे, आप लोगों को और मनोरंजित कर सकते हैं। सो लव टू यू ऑल एंड थैंक यू वंस अगेन राजू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। आई एम रियली रियली हम्बल्ड एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बाय सर, बाय। बाय, टेक केयर, टेक केयर। हा, आज का एपिसोड ना जैसे एक फोटो है नॉर्मल, उसको फ्रेम में लगा कर कैसे सजाते हैं और दीवार पर लगते हैं, लगता है जब वो, तो दीवार की शोभा बढ़ जाती है, उस कमरे की शोभा बढ़ जाती है, वैसा हुआ है आज हमारे साथ इस एपिसोड के द्वारा, क्योंकि आज हमारे साथ सप्तर्षि घोष सर ने जो कमाल परफॉर्म किया है वाकई शोभा बढ़ चुकी है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से तहे दिल से सर सप्तर्षि घोष का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं साथ में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे सोपा स्टार राइटर का, मेरे दोस्त अनुराग पराशर का, मेरे क्रिएटिव डिजाइनर अनिकेत निकम का, और मेरे टेक्निकल असिस्टेंट देवेंद्र प्रेम का, और मेरे मित्र दशरथ मेवाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, फुल पावर, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, और कल या परसों मैं जल्द से जल्द स्टोरी में डालूंगा जिन्होंने, आप लोगों ने वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी करना चाहते हैं मेरे साथ, उनके उनके फोटोज या आईडीज व्हाटएवर मैं कुछ तो स्टोरी में डालूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, आई होप कि मैं टैग भी कर पाऊं आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू।